डिलीवरी होने पर नर्सों द्वारा 2000 लेने की एसडीएम से की गई शिकायत, बाड़ी की प्रमुख खबर। बाड़ी के सरकारी अस्पताल में ग्रामीण महिला प्रीति पत्नी रंजीत कुशवाहा निवासी कल्याणपुर की डिलीवरी की गई। डिलीवरी के उपरांत महिला की सास एवं देवर से सरकारी अस्पताल की नर्सों ने 2000 रुपए जबरन रिश्वत वसूल की। महिला के देवर एवं सास ओमवती ने उप जिला कलेक्टर से ज्ञापन देकर शिकायत की। बाड़ी से बीवीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। हम कल्याणपुरा से बच्चा को लेके आए, वो मेरी भाभी लगती है और उनको एडमिट कराया, करा के और फिर रेफर कर रहे थे धौलपुर के लिए, तो उन्होंने कुछ 100-200 दे के भर्ती कर लिया। फिर बाद में बच्चा हो गया, होने के बाद में वो हमारे साथ में आए थे, उन्होंने रुपये नर्सों के लिए देंगे तो उन्होंने पहले हमने 1500 रुपये दिए, नहीं दिए ना 500 और दिए तो 2000 हमसे रुपये दे गए। और ऐसा हॉस्पिटल में चलता रहेगा तो माहौल निकल जाएगा, तो हमें इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। एसडीएम साहब को किए। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि कुशवाहा है, कल्याणपुरा का रहने वाला हूँ मैं। क्या काम करते हो? सब्जी बेचता हूँ, मेहनत करता हूँ। कल्याणपुरा से लेके आए जच्चा है। तो क्या हुआ? बच्चा बिने बच्चा है वो भर्ती कर गई, फिर हम मैंने मांगे 100-200 तो मन दे गए, फिर भी नहीं कही थे 2000 दे 1500 दे तो भी ले नहीं हो कही 500 और ला तो 500 और ले कर फिर भी 2000 रुपये थे ले गए। किस नाम से लिए थे, क्यों लिए थे? नहीं कह रही थे नरसन देंगे और मुझे पते ना ने कि दही है कि ना दे तुमसे ले गए। हाँ मुँह पे तो ले गए। डॉक्टर किरोड़ीलाल को जल जीवन मिशन को लेकर दिया ज्ञापन, सरमथुरा की प्रमुख खबर। सरमथुरा क्षेत्र के गांव बड़ा गांव में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उनको जल जीवन मिशन के तहत गांव में अधूरे पड़े हुए टंकी कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए ग्राम के लोगों ने ज्ञापन दिया। गांव के सरकारी विद्यालय में कृषि विषय की मांग की गई। कैबिनेट मंत्री ने सभी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर गांव के वर्तमान सरपंच रवि कुमार मीणा, अमृतलाल मीणा, देवीचरण कुशवाहा, पुलकित शर्मा, सियाराम कुशवाहा सहित गांव बस्ती के गणमान्य नागरिक उनके स्वागत में मौजूद रहे। माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। डॉक्टर प्लीज अपना स्टैंड लें। डॉक्टर का स्वागत के लिए गांव के पंच पटेल है गो भैया, स्वागत है गो है गो। बताओ ज्ञापन दो क्या है, समय से बताओ बेटा। हमारे बीच में सरमथुरा क्षेत्र में एक भी कृषि विद्यालय नहीं है, जिसकी हम मांग करते हैं कि हमारे बड़े गांव में कृषि विद्यालय खोल की कृपया करें। आप कृषि मंत्री हो, सबसे बड़ी बात। तैयार सरसों की फसल में पानी काटने पर हुआ विवाद, मारपीट एवं लूट, सैंपो की प्रमुख खबर। कोलारी थाना क्षेत्र के गांव
परउआ में सरसों की तैयार खड़ी फसल में नहर का पानी काट देने पर विवाद हो गया, जिसे लेकर सोनू शर्मा पुत्र चिरंजी लाल ने थाना कोलारी में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में गांव की ही कुछ लोगों का कहना है कि जब पानी काटने से ना रुक गया तो सभी ने एक राय होकर मारपीट की। उसके बाद गांव में धोखे से जाकर उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की तथा खोखे दुकान में रखे 3,70,000 रुपए 2 ट्रॉला बेचकर प्राप्त हुए उन्हें लूट कर ले गए। बाद में गांव के ही लोगों के आ जाने पर सभी भाग गए। मेरा नाम सोनू शर्मा है, गांव मेरा परउआ है। मैं दुकान पर बैठा था अपनी मिसेज के साथ और 5-4 लड़के थे, वो आए और मेरी दुकान पर मारपीट की और बहू को दुकान से उठा के फेंक दिया और पैसे वगैरह लूटपाट करके ले गए। गांव परउआ है मेरा। जय सिंह पुत्र हीरा सिंह, संजय पुत्र शंकर सिंह, रामलखन पुत्र महेंद्र सिंह, चरण बिज्जू पुत्र चरण सिंह, ये मौके पे ये पहचान लिए मैंने और काफ़ी थे यानी तो, और मेरा ट्रोला बिके थे कल, उनके पैसे रखे थे खोखा में, मैं रखने जा रहा था 3,70,000 रुपये। मोदी के पैसे ने वो मान चले गए खेत पे, तो तू इन पैसे ने रखे ही और मैं खेत पे देख आऊँ कछु रहता ना रहो खेत पेत पे, तो बुनने का कहता है मित्र रख भी जा नहीं पाई और जिन उज्जा जुजी करे वे लग गए और कहा गया मारपीट कर वे लग गए। देखिए जी कैसे उज्जा जुजी करी है, हैं। चोरी हुई बस को सरमथरा पुलिस ने 20 घंटे के अंदर किया बरामद। सरमथरा की प्रमुख खबर, विगत रात्रि बाहरी जी के पेट्रोल पंप से बस नंबर RJ11PA1246 को चोर उड़ाकर ले गए। मामले की सूचना थाने में दर्ज होने के बाद थाना अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर बस की तलाश की गई। चोरी की गई बस को आज प्रतापपुरा नामनेर चौराहे के बीच हनुमान मंदिर के सामने आगरा उत्तर प्रदेश से बरामद करने में सफलता हासिल की। SP मनोज कुमार के निर्देशन में एवं DSP रविराज सिंह के निकटतम सुपरविजन में की गई कार्रवाई में सरमथरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के साथ प्रेम सिंह, हेड कांस्टेबल जसवंत, धर्मेंद्र, हरेंद्र, रूप सिंह एवं विनोद कुमार कांस्टेबल थाना सरमथरा शामिल रहे। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला धौलपुर की महिला इकाई की बैठक अमेरिकन इंस्टीट्यूट धौलपुर में हुई, जिसमें राष्ट्रीय महिला संयोजक श्रीमती आशा सिंह व प्रांत महिला संयोजक श्रीमती नीतू यादव व जिला अध्यक्ष श्रीमती गीता सिंह चौधरी मंचा सिंह रहे। श्रीमती राधा शर्मा व श्रीमती ममता गर्ग द्वारा संचालन किया गया। बैठक में जिला की महिला टोली की श्रीमती कमलेश शर्मा, निर्मला शर्मा, राजेश्वरी, निर्मला सिंह तोमर, रेखा रानी शर्मा, मछला जी, गुंजन शर्मा, गुड्डी त्यागी, शारदा शर्मा, रंजना सिंघल, सोनम, सुनीता, रश्मि शर्मा, उषा जादौन, कुष्मा जी, आरती सिंह, संध्या श्रीवास्तव, रेखा तोमर, अनीता विजेता रही। ऑनलाइन ठगी, साइबर क्राइम, लोकल फॉर वोकल यूज, पर्यावरण विषय पर संबोधन रहा। सड़गोली विद्यालय में हुआ वार्षिकोत्सव का आयोजन, धौलपुर की प्रमुख खबर। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सड़गोली में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के भामाशाहों का सम्मान किया गया तथा गत वर्ष कक्षा में श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में भामाशाह दाऊदयाल, हरिदेव कुशवा, देवचंद कुशवा, सोनू कुशवा, जयपाल चौहान, केशव कुशवा आदि उपस्थित रहे। भामाशाह दाऊदयाल कुशवा द्वारा विद्यालय में बोरवेल लगवाने तथा जयपाल सिंह चौहान द्वारा विद्यालय के लिए 5,000 की घोषणा की। वहीं सोनू कुशवा द्वारा बच्चों की जरूरत के अनुसार जब भी शिक्षक कुछ मांगे तो उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। मंच संचालन कर रहे शिक्षक सत्यपाल सिंह परमार ने बताया कि विद्यालय के छात्रों के लिए किया गया दान राष्ट्र की पीढ़ी निर्माण के काम आता है, इसीलिए सभी भामाशाहों तथा शिक्षकों को इसमें बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। विद्यालय के शिक्षकों द्वारा छात्रों के लिए स्कूल बैग का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक देवेंद्र सिंह गुर्जर ने की। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक पवन गुप्ता, सत्यपाल सिंह परमार, नीरज गोयल, वेद प्रकाश कुशवा, संगीता विष्णुप्रिया, पूनम त्यागी तथा पुष्पा राजावत आदि उपस्थित रहे।